हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेमास क्रिएटिव आइडियाज़। तो इस आज की डीआईवाई में बनाने वाली हूँ इस तरह का। ये कार्डबोर्ड बॉक्स था मेरे पास, जो ये बहुत स्टडी है और ये अच्छे से मजबूत है। तो इस बॉक्स में बनाने वाली हूँ मोज़ेक आर्ट बनाने वाली हूँ। इस यहाँ पे कार्डबोर्ड इस तरह से ये मिरर में यहाँ चिपका दूंगी। तो यहाँ मैंने फेविकॉल लिया है, फेविकॉल की मदद से मैं चिपका रही हूँ। तो इस बॉक्स में आपको जैसे चाहे वैसे आप ड्रॉ करके पेंसिल से आप चिपका सकते हैं। तो मैं ऐसी रैंडमली चिपका रही हूँ जो, तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे राउंड में मैंने एक इस तरह से मैं ट्राइंगल का मिरर लगा दी हूँ। तो आप कोई भी मिरर लगा सकते हैं, छोटे बड़े। तो ये मिडल में भी एक मैंने राउंड शेप कर लिया है और इस तरह से मैंने अलग अलग टाइप के मैं मिरर यहाँ चिपका रही हूँ। तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह के आप वेस्ट बॉक्स से आप इस तरह से एक ट्रे बना सकते हैं। तो ये ऐसे ट्रे तो आप ऑनलाइन में बहुत महंगे मिलते हैं, तो मैंने इसको घर में बनाने की कोशिश की हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है वॉल पुट्टी। तो वॉल पुट्टी में मैंने फेविकॉल, एक स्पून फेविकॉल डाल दिया है। और आप चाहे तो इसमें कलर को भी आपकी जो पसंद का कलर है आप उसको जो यूज़ करने वाले हैं उसको कर डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हैं इसमें कलर, क्योंकि ये वॉल पुट्टी में डालने के बाद ये थोड़ा सा कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। तो आप उसको अगर डार्क कलर चाहिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने येलो कलर इस तरह से मैंने इस पूरे डिज़ाइन में लगा दिया है ट्रे में। तो आप इस तरह से कोई भी स्मूथ कोई भी टूल्स लेके आप इसको स्मूथ कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा ड्राई होने के बाद निकाल रही हूँ इसको इस तरह से रब करके। तो आप थोड़ा सा जब गीला रहता है उसी टाइम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब पूरा ड्राई हो जाता है तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पूरा ड्राई होने के बाद निकाला था। तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही इसलिए, तो इस तरह से मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। साइड में जो येलो कलर लग गया था तो मैंने इसको रिपीट मैंने डबल कोट लगाया है पिंक कलर का। तो देखिए इसका फाइनल लुक। सेकेंड ये वैक्टीरिया मैंने लिया है ये विनेगर का बॉटल, ये प्लास्टिक बॉटल है। तो आप ग्लास बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका एक ऊपर से जो कवर था उसको मैंने निकाल दिया। ऑलरेडी ये वाइट है तो जैसो की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो यहाँ मैंने मोल्डेड क्ले लिया है, इस क्ले से कुछ मैं आर्ट बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने पाउडर के ऊपर मैंने क्ले को मैंने इस तरह से मैं एक शेप बना रही हूँ एक बस। तो यहाँ जो मैं बनाने वाली एक पैटर्न, ये ट्रेडिशनल पैटर्न है। तो इस तरह से पिंटरेस्ट में मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं इस तरह से उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। तो इस तरह मैंने एक शेप कट कर लिया है, इस तरह से बना लिया है। तो यह आइज़ के लिए मैंने एक छोटा सा कट करके मैंने राउंड में से इस तरह से लगाया है। तो आप इस तरह से पैटर्न पर कोई भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से पैटर्न बना के इसका नोज़ भी यहाँ बना रही हूँ। तो ये ट्रेडिशनल पैटर्न बन रहा है, तो आप चाहे तो और कुछ दूसरा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आइज़ भी बना ली हूँ और इसके बाद नोज़ और लिप्स बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से आप प्लास्टिक बॉटल को ना फेंकते हुए आप इस तरह से एक वास बना सकते हैं। तो आप देखिए एंड तक तो कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये इस लिप्स को भी मैं बना दी हूँ, तो मोल्डेड क्ले से ये बहुत अच्छे से चिपक जा। तो इस तरह की वीडियोस मैं बनाते रहती हूँ वेस्टेज मटेरियल से। तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाके, अगर मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से मैंने डैप डैप किया, मैंने पहले ब्रश से करके देखा था लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रोक दिख रहा था ब्रश का, तो मैंने यह डैप डैप किया स्पंज की मदद से। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरे बॉटल में स्पंज की मदद से कर लिया है और डबल कोट में लगा दिया है। तो यह मैंने एक इस तरह से पैटर्न बना लिया है था ताकि वो ये थोड़ा सा एक जूट रोप की जैसे दिखे। तो मैंने इस तरह टाई करते जूट रोप इस तरह से बना लिया। और एक मैं गोल्डन कलर का यहाँ पे मैं ले रही हूँ, इस तरह से एक्रेलिक कलर है ये थोड़ा टच देने के लिए। तो मैंने एक फिंगर में थोड़ा सा कलर लेके इसको मैं इस तरह से बना दी हूँ।
तो थर्ड DIY के लिए मैंने यह लिया है इस तरह का, ये झाड़ू का ये जो निकल जाता है झाड़ू मार लगाने के टाइम में, तो इसी झाड़ू के इस स्ट्रिप से मैं कुछ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं इसको गोल्डन स्प्रे किया है, तो ये गोल्डन स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने गोल्डन स्प्रे के बाद मैंने यहाँ एक फेविकॉल लगाया है। इस तरह से मैंने फेविकॉल लगा के मैंने यहाँ ग्लिटर यूज़ किया है, तो मैं कलर कलर का ग्लिटर यह यूज़ करने वाली हूँ। तो हर स्ट्रिप के ऊपर फेविकॉल लगा के मैं कलर का ग्लिटर लगा रही हूँ। तो इस तरह से मेरे पास 4-5 कलर थे ग्लिटर के, तो मैंने इस यहाँ पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं हर स्ट्रिप में अलग अलग कलर इस तरह से मैं बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे कलर को कर दिया है। तो आप इसको इस वास्ट जो मैंने इसके पहले जो DIY बनाई हूँ उसी के लिए मैं बनाई हूँ, तो इसलिए फाइनल लुक नहीं दिखाया था। तो देखिए इसका फाइनल लुक। DIY के लिए मैंने लिया है इस तरह का, ये मेरे पास एक टॉय था बच्चों के लिए इस कॉइन के इसमें डालने के लिए, तो इसी में एक गेसो अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इसका डार्क पिगी बैंक को मैंने इस तरह से, ये कलर नहीं था, ये शायद मार्केट में मैंने 10-20 रुपये में लिया था बहुत साल पहले, तो मेरे पास बहुत दिन से रखा हुआ था। मैं सोच रही थी इसे क्या करूँ, तो मैंने सोचा इसको कलर डोरेमोन का कलर ही दे देती। ये डोरेमोन है तो, लेकिन ये कुछ कलर वलर नहीं था, कॉमन कलर पिंक कलर था, तो इसलिए मैंने यहाँ पहले जैसो लगाया था, फिर इसके ऊपर मैंने एक वाइट कलर का सेम डोरेमोन का कलर मैं कर रही हूँ। तो यह ब्लू और वाइट से मैंने पूरा डोरेमोन का कलर कर दिया है। तो इस तरह से मैं पूरा कलर कर दूँगी। जो आप मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपकी ये लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो कर दीजिए। तो इस तरह की मैं अलग अलग टाइप के मैं वीडियोस बना रखती रहती हूँ पूरा वेस्टेज मटेरियल के ऊपर। तो ये लो कॉस्ट DIY जो है आप बना सकते हैं घर में। तो इस तरह से ये पैटर्न बन रहा है, इसका मैं आइज़ भी बना दी हूँ ब्लैक कलर से, और इस तरह से मैंने इसका बेल्ट भी बना दी हूँ। तो इस तरह से मैं पूरा डोरेमोन को बना दी हूँ। तो ये वेस्टेज जो पड़ा हुआ था तो ये डोरेमोन बन गया है, तो आप इसमें कॉइन डाल सकते हैं। देखिए इसका फाइनल लुक।